बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सेकेंड ईयर अकाउंटिंग में हम इस वक्त एमसीक्यूज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, और इससे पहले भी हमने अनसॉल्व पेपर के सवालात जो थे एमसीक्यूज़ के वो सॉल्व करे थे। आज हम 2011 रेगुलर का जो पेपर है उसे सॉल्व करने जा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स तवज्जो दीजिएगा थोड़ी सी। सबसे पहले वो हमसे कहते हैं दिस अकाउंट इज़ नॉट क्लोज एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। वो कहते हैं कि जो नीचे चार ऑप्शंस हैं इनमें से कोई एक अकाउंट है जो कि अकाउंटिंग पीरियड पर क्लोज नहीं किया जाता। कौन कौन सा? रिटेन अर्निंग, परचेजेस, सेल्स, नन ऑफ दीज। डेफिनेटली रिटेन अर्निंग, हम जिस वक्त क्लोजिंग एंट्रीज पढ़ रहे थे तो उस वक्त हमने इस बात को समझा था कि परचेजेस एक्सपेंस में आता है इसलिए इसे क्लोज किया जाता है, सेल्स रेवेन्यू है इसलिए इसे क्लोज किया जाता है, रिटेन अर्निंग ऐसा अकाउंट है जो क्लोज नहीं होता। आगे चलते हैं। डिबेंचर्स आर द सर्टिफिकेट ऑफ। डिबेंचर किस चीज का सर्टिफिकेट है? ओनरशिप का, मेडिकल फॉर कंपनी एम्प्लॉयज, रिसीट्स ऑफ लोन एक्नॉलेजमेंट, नन ऑफ दीस। देखें ओनरशिप का मतलब क्या होता है कि जो आपकी मिल्कियत हो, क्या ये इसी बात का सर्टिफिकेट है डिबेंचर? हरगिज नहीं। मेडिकल फॉर कंपनी एम्प्लॉई नहीं, एम्प्लॉई जो हैं कंपनी के क्या उनके मेडिकल का सर्टिफिकेट है? हरगिज नहीं। रिसीट ऑफ लोन एक्नॉलेजमेंट, इसका मतलब ये है कि जो आपने कर्जा लिया हुआ है उसकी याद दहानी या एक्नॉलेजमेंट या उसके बारे में तफसीलात, तो बिल्कुल ये यही चीज़ है, क्योंकि जो डिबेंचर होल्डर होता है वो लोन क्रेडिटर होता है कंपनी का, तो कंपनी ने एक तरह से कर्जा लिया हुआ होता है डिबेंचर होल्डर से, तो इसलिए जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के लोन एक्नॉलेजमेंट का सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो यही ऑप्शन इसका बेस्ट है। मजीद आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। आगे कहते हैं दिस इज नॉट शोन इन द शेयर होल्डर इक्विटी सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट। ये आपसे पहले भी आ चुका है, ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम, शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, डिविडेंड पेबल। यकीनन डिविडेंड पेबल ही इसका आंसर है। रियलाइजेशन अकाउंट ऑपरेटेड बाय पार्टनरशिप बिजनेस इज कॉल्ड। जो पार्टनरशिप बिजनेस में रियलाइजेशन अकाउंट आप ऑपरेट करते हैं वो कहते हैं कि वो क्या कहलाता है? क्या एसेट अकाउंट है, टेम्परेरी अकाउंट है, कॉन्ट्रा अकाउंट है? नन ऑफ दीज। डेफिनेटली ये टेम्परेरी अकाउंट है। क्यों? क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट जब ओपन किया जाता है तो हम उस अकाउंट के जरिए बिजनेस के ट्रांजेक्शन को करते हैं ताकि बिजनेस जो वाइंड अप होने जा रहा है उसके वाइंड अप होने में या होते वक्त या उस प्रोसेस में जो भी नफ़ा या नुकसान है वो पता चल सके, और इसीलिए हम एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन करते हैं और बाद में इसको क्लोज कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं दिस इज और दीज आर इंटेंजिबल एसेट्स, यानी जो नीचे ऑप्शंस हैं उनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा इंटेंजिबल एसेट्स हैं। ऑटोमोबाइल, टूल्स, गुडविल, फिक्स्चर। डेफिनेटली गुडविल आपका इंटेंजिबल एसेट है। आगे कहते हैं द इंटायर अमाउंट ऑफ न्यू पार्टनर इन्वेस्टमेंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय। जब नया पार्टनर एडमिट किया जाता है तो तमाम के तमाम अमाउंट जो है वो किस मेथड के जरिए या किस तरीक़ेकार के जरिए जो क्रेडिट की जाती है, लाजमी बात है कि गुडविल मेथड के जरिए ही की जाती है। जब एडमिट किया जाता है नए पार्टनर को तो डेफिनेटली वो गुडविल मेथड यूज किया जाता है। आगे चलते हैं। दिस इज प्रिपेयर्ड अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड। वो कहते हैं कि जो नीचे ऑप्शन है अगर फिक्स कैपिटल मेथड हो तो किसको प्रिपेयर करेंगे हम? कैपिटल अकाउंट को, करंट अकाउंट को, कैपिटल एंड करंट अकाउंट को, नन ऑफ दीज। तो जो मेरे हिसाब से ऑप्शन बन रहा है वो कैपिटल एंड करंट अकाउंट, दो अकाउंट मेंटेन करते हैं हम फिक्स कैपिटल मेथड में। इन्होंने करंट अकाउंट का दिया हुआ है, बहरहाल ये मुझे जो है कंफ्यूज कर रहा है, तो इसलिए कैपिटल अकाउंट सेपरेट किया जाता है और फिर बाद में करंट अकाउंट को भी मेंटेन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। द डेफिसिट बैलेंस इन टर्म्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज बेस्ट इंडिकेटेड बाय। वो कहते हैं जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लॉस आ जाता है या डेफिसिट आ जाता है तो नीचे तो दिए हुए ऑप्शन है उनमें से क्या चीज बेस्ट इंडिकेट करती है उस डेफिसिट को? एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ रिसीट्स ओवर पेमेंट, एक्सेस ऑफ पेमेंट ओवर रिसीट्स, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। डेफिनेटली यही है, यानी ज्यादा खर्चे
इनकम के ऊपर, यानी इनकम कम है अखराजात ज़्यादा हैं, तो लाजमन आपका यही ऑप्शन बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं, कैपिटल एट एंड माइनस ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ड्राइंग्स बराबर किसके होगा? यकीनन कैपिटल एट स्टार्ट के, ठीक है। आप वो एक इक्वेशन जो मैंने आपको तरीक़ेकार सिखाया था कि जिसमें कैपिटल एट एंड लें प्लस ड्राइंग्स करें माइनस एडिशनल इन्वेस्टमेंट माइनस कैपिटल एट स्टार्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट, जब आप उस इक्वेशन को सामने रखेंगे और इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को सामने रखेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या चीज़ मालूम की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं नेगेटिव रिटेन अर्निंग मीन्स, नेगेटिव रिटेन अर्निंग का क्या मतलब होता है? यकीनन नेट लॉस, ठीक है, यकीनन नेट लॉस। आगे बढ़ते हैं, द पीरियोडिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बाय कंपनी इन द फॉर्म ऑफ कैश, वो कहते हैं कि जब कंपनी पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करती है इन द फॉर्म ऑफ कैश विद द पैसेज ऑफ टाइम, एक खास टाइम पीरियड के बाद, राइट, एक खास टाइम पीरियड के बाद, तो वो क्या कहलाता है? चूंकि कैश की सूरत में दे रही है वैसे वो कहलाता है डिविडेंड, मगर चूंकि कैश की सूरत में दे रही है तो वो कैश डिविडेंड होगा, अगर वो शेयर्स की सूरत में देती तो स्टॉक डिविडेंड हो जाता, तो इसका बेस्ट आंसर कैश डिविडेंड है। आगे कहते हैं, द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, इन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, आगे वो ऑप्शन देते हैं, द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज अमेंडेड, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है द पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिमेंस द सेम, नेचर ऑफ बिजनेस इज चेंजेस, नन ऑफ दीज। वो कहते हैं कि जब नया पार्टनर एडमिट किया जाता है तो उस सूरत में क्या पार्टनरशिप बिजनेस का जो एग्रीमेंट है उसे अमेंड किया जाएगा, चेंज किया जाएगा? अमेंड का मतलब होता है कुछ नेसेसरी चेंजेस के साथ। क्या दूसरा ऑप्शन देते हैं कि नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस की नेचर बदल दी जाएगी? तीसरा ऑप्शन कहते हैं कि दूसरा ऑप्शन था पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिमेंस द सेम, क्या पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेम रहेगा, कोई तब्दीली नहीं होगी? नेचर ऑफ बिजनेस चेंज, क्या बिजनेस की नेचर बदल दी जाएगी, या इनमें से कोई भी नहीं? देखें, बिजनेस पार्टनरशिप का टेक्निकली ख़त्म हो जाता है ये पार्टनरशिप उस टाइम पर जब नया पार्टनर एडमिट हो, पार्टनर की रिटायरमेंट हो, या पार्टनर की डेथ हो जाए, या कोई और रीज़न हो जाए, तो पार्टनरशिप टेक्निकली डिसॉल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो ऑपरेशंस होते हैं बिजनेस के वो जारी रहते हैं, बिजनेस के ऑपरेशंस जो हैं वो जारी रहते हैं, वो नहीं रुकते। तो जो बिजनेस के ऑपरेशंस नहीं रुकेंगे वो जारी रहेंगे, तो इसका मतलब ये कि बिजनेस तो कंटिन्यू है मगर एग्रीमेंट रिवाइज होता है, एग्रीमेंट में नेसेसरी चेंजिंग। फॉर एग्जाम्पल, पहले तीन लोग काम कर रहे थे, नया पार्टनर चौथा आ गया, लाजमन अब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो जाएगा, इसके अलावा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो चेंज हो जाएंगी, राइट्स ड्यूटीज़ हैं वो चेंज हो जाएंगी, इसके अलावा बिजनेस के ऑपरेशंस की दीगर चीज़ें वो सब बदल जाएंगी, नए पार्टनर को भी जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी लाजमन उसको अगर बिजनेस में शेयर दिया जा रहा है तो, ठीक है। तो इस तरह जो पहला ऑप्शन है बिजनेस एग्रीमेंट इज अमेंडेड, यही सही है इसका। आगे कहते हैं, जनरल रिजर्व इज क्लासिफाइड एज, कहते हैं जनरल रिजर्व को किस में क्लासिफाई किया जाता है, यानी जो बैलेंस शीट का एरिया है लाजमन ये वहाँ आता है, लेकिन बैलेंस शीट में किस जगह लिखा जाता है? क्या एसेट्स में, लाइबिलिटीज़ में, शेयर होल्डर इक्विटी में? नन ऑफ दिस, डेफिनेटली शेयर होल्डर इक्विटी में। आगे बढ़ते हैं, द अमाउंट मैंशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड, डेफिनेटली ऑथोराइज कैपिटल पहले भी आया हुआ है। मजीद आगे बढ़ते हैं, दिस इज और दीज आर नेचुरल रिसोर्सेस, यानी वो कहते हैं कि नीचे जो ऑप्शंस हैं उसमें से कोई एक या एक से ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस हैं, मशीनरी, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, फिशरीज। डेफिनेटली जो फिशरीज है ये हमारा नेचुरल रिसोर्स है, कुदरती तौर पर जो मछलियां हैं वो समंदर में कुदरती तौर पर मौजूद हैं, समंदर की मछलियां। दिस अकाउंट इज नॉट इंक्लूडेड इन न्यूली फॉर्म बिजनेस, वो कहते हैं कि ये अकाउंट जो है वो शामिल नहीं किया जाता जब बिजनेस नया फॉर्म होता है, यानी फॉर्मेशन हो रही होती है। कैश अकाउंट सेबल, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, आमतौर पर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को स्किप करके
नेट वैल्यू ले ली जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इन अकाउंटिंग इज कॉल्ड, वो कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो अकाउंटिंग में क्या कहलाता है, क्या रिजर्व्स, कॉन्ट्रा एसेट, सरप्लस, एक्सपेंस? तो यकीनन ये हमारा कॉन्ट्रा एसेट है जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। दिस टर्म इज नॉट एन इनकम इन नॉन प्रॉफिट कंसर्न, वो कहते हैं नीचे जितने ऑप्शन दिए हैं उनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की इनकम कंसिडर नहीं करते, जिसको हम गवर्नमेंट ग्रांट इनकम है, डोनेशन इनकम है, इंटरेस्ट ऑन लोन सब्सक्रिप्शन ये भी इनकम है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन इनकम नहीं है, क्यों इनकम नहीं है भाई? इसलिए इनकम नहीं है कि कर्जा जो लिया हुआ है आपने उसके ऊपर सूद अदा करना है, आपने अदायगी करनी है। इनकम तो रिसीव करते हैं ना आप, इसमें अदायगी करनी है, तो लाजमन इसीलिए इंटरेस्ट ऑन लोन आपकी इनकम नहीं है। आगे बोलते हैं रिवैल्यूएशन मींस, रिवैल्यूएशन का क्या मतलब है? एसेट्स आर रिवैल्यूड, लाइबिलिटीज आर रिवैल्यूड, इक्विटीज आर रिवैल्यूड। आखिरी ऑप्शन है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रिवैल्यूड, डेफिनेटली एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रिवैल्यूड की जाती हैं। आगे कहते हैं द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर शोस, जो नीचे ऑप्शन हैं कहते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स उनमें से किस चीज़ को शो करता है, क्या कैपिटल को शो करता है, परचेजेस, सेल्स, ऑल ऑफ दीज। देखें सेल्स और परचेज का ताल्लुक है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से, तो डेफिनेटली कैपिटल है जो कि शो किया जाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास आज की इस वीडियो में हमने एक ईयर मुकम्मल किया है अपना, और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और स्टूडेंट्स, आप भी कोशिश करें कि इसको अपने तौर पर कंप्लीट करें, और कोई सवाल हो, कोई इशू हो तो उसको आप हमसे डिस्कस करें। ठीक है, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, अगले किसी ईयर में। तो अगली वीडियो में आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।